चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग मैं कटके साहब को आमंत्रित करता हूं कि आकर के वो समर संघ का कॉन्सेप्ट देने का कष्ट करें। सभी सम्मानीय साथियों, सभी बहनें और विद पीपल से जुड़े सभी समन संघ के साथियों को मेरा सप्रेम जय भीम, नवोदय, जय संविधान। आज खासकर जो लोग नए जुड़े हैं, आज लोग जो भी नए साथी जुड़े हैं, बहने हैं, हमारे भाई लोग हैं, सर है, सभी लोगों का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आज का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपसे कुछ चंद बातें कहना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं आपके मन में जो भावना है उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। विद पीपल क्या है, विद पीपल का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद पीपल बनता कैसे है, विद पीपल के मुख्य सूत्र क्या है और विद पीपल में आने के बाद हमें क्या करना है, ऐसी कुछ चंद बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ करूंगा। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप मेरे वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं या उसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। तो विद पीपल ये एक ऐसा संघ है, समन संघ है, जो कि तथागत बुद्ध, उनसे पहले भी उनके जो लोग थे जो कि संघ में जुड़ना चाहते थे जुड़ते थे, तथागत बुद्ध ने इस विद पीपल के संघ की भावनाओं को, उसकी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया था। उसी ये धारा जो है चलती आई, ज्योतिबा फुले है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इन हमारे बहुजन समाज के सारे महानुभाव जो हुए है, जो हमारे गुरु हुए जिन्होंने बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया, उन्हीं के ही विचारों का निचोड़ विद पीपल है। विद पीपल ये जो टाइटल है, हम सभी भाइयों ने, वी लोगों ने, हम लोगों ने, मैं नहीं, हम लोगों ने विद पीपल ये शब्द भी भारत के संविधान से लिया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विद पीपल का जो प्रियम्बल लिखा था संविधान का, उस संविधान में कहा है कि जब तक हम लोग आय से वी में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक ना हम खुद जुड़ जाएंगे, ना हम खुद इकट्ठा हो जाएंगे, ना ही हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन येट, भारत ये अभी तक राष्ट्र नहीं बना है। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया एक नेशन है वो लोग भ्रम में है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इस देश के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम, अच्छा प्रेम, सही प्रेम की भावना उसके मन में जुड़नी होगी। तो अगर इस देश का हर एक नागरिक देश को राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका काम है कि वो वी का उच्चार करे, वी की भावना में खुद को परावर्तित करे। तो आय से और वी से क्या होता है, आय में जहां तक हम देखते हैं कि पिछले 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय ये नीति तत्व दिए, ये नीति तत्व बाबा साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कि सारे नीति तत्व मैंने तथागत बुद्ध के धम्म से लिए हैं, और ये धम्म से लिए हुए जो नीति तत्व है ये नीति तत्वों के आधार पर ही इस देश का निर्माण किया जाएगा, इस देश को राष्ट्र बनाकर इस देश का निर्माण किया जाएगा और इस देश का हर एक नागरिक वो अच्छा समृद्ध होगा, उसको सारे अधिकार होंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये बनी है कि हम लोग विद पीपल नहीं होने की वजह से क्या हो गया। पिछले 70 साल में इतना बड़ा संविधान बाबा साहब ने हमें दिया जो कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि भारत का संविधान है जो बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड है, लेकिन ये इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी पिछले 70 साल में हम लोग संविधान के हिसाब से नहीं चल पाए। हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, अभी संविधान का क्या होगा। असल में बात ऐसे है कि संविधान खतरे में नहीं है, विद पीपल खतरे में, हम लोग खतरे में है, क्योंकि संविधान तो एक कागज है। जब तक संविधान का संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तब तक संविधान नहीं हमारा रक्षण नहीं करेगा, तो ये रेसिप्रोकल है। जितनी हम खुद की सुरक्षा करने की, खुद को इकट्ठा करने की सोचेंगे उतना ही भारत का संविधान हम बचाएंगे।
तो हमारा सबसे पहला काम है कि वी द पीपल क्या है ये बात समझने का। वी द पीपल ऐसा संबंध संघ है जो कि भारत के संविधान और तथागत बुद्ध, फूले, शाहू, अंबेडकर और बहुजन समाज के जितने भी महामानव है उनके विचारों पर आचरण करने वाले लोगों का ये एक संघ है। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं। तो हम लोग जो कि संख्या में बहुजन है, हमारी संख्या एससी, एसटी, ओबीसी की अगर देखी जाए तो इस देश में करीब करीब 110 करोड़ लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन पिछले 70 साल से हम देखते हैं कि इतनी संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हमारे हाथ में होने के बावजूद भी आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं हमारा संविधान हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर हमारा संविधान हमारे हाथ से निकल जाता है तो आने वाले 2-4 साल में हमारा क्या होगा, हमारी आगे की जनरेशन का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, ऐसी स्थितियों में आज हम खड़े हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमें करनी होगी कि हमें सोचना होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके वजह से पिछले 70 साल में हमने काफी गलतियां की है, हमने हमारे पुरखों के विचारों के ऊपर आचरण नहीं किया है। बुद्ध ने जो संघ स्थापित किया था, बुद्ध ने जो धम्म दिया था, वो धम्म अकेले बुद्ध थे। तथागत बुद्ध जब अरहत बने, बुद्ध बने, तो तथागत बुद्ध में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्हें लगा कि चाहे मैं अकेला भी क्यों ना हूं लेकिन मैं इस दुनिया को बदल सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस तथागत बुद्ध में बुद्ध होने के बाद आया। उन्होंने सोचा कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बुद्ध हूं, जो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, वही अनुभव मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। तो बुद्ध निकल पड़े अपने काम के लिए। बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्खु को दीक्षा दी, अपना धम्म बताया, फिर यश आया, यश के 55 लोग दोस्त लोग आए, फिर तथागत बुद्ध ने संघ बनाया, फिर संघ का एक आइडियल दिया, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ता हिताय अनन्या हिताय सत्ता देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग परियोसानंग कल्याणंग। तो तथागत बुद्ध का धम्म कैसा है कि शुरू में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। यही सोच तथागत बुद्ध ने उनके लाइफ के बचे हुए 45 साल तक लोगों के बीच में बांटी। बुद्ध ने अपने विचारों को लोगों के बीच में शेयर किया और उसी विचारों के ऊपर लोगों को चलना सिखाया। लोग तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर, तथागत बुद्ध के विचारों के ऊपर चलना शुरू कर दिए और देखते देखते तथागत बुद्ध के समय में करीब करीब भारत बुद्धमय हो गया। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय से चलता हुआ भारत उस जमाने में खड़ा हुआ। और बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में, जो कि अपनी क्रांतिकारी किताब है, उसमें कहा है कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर एक राजकीय क्रांति के पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना जरूरी होता है। तो बाबा साहब उदाहरण देते हैं कि 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की थी उसके बल पर सम्राट अशोक का 2300 साल पहले का राजकीय भारत तैयार हुआ, पॉलिटिकल इंडिया तैयार हुआ, उसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर आचरण करते हुए अपना पॉलिटिकल साम्राज्य आज के भारत से करीब दुगुना से ज्यादा 2.5 गुना तक बड़ा किया। हम जानते हैं कि सम्राट अशोक की जो पॉलिटिकल सीमाएं थी वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक के साथ थी, खोरान, खोतान, मंगोलिया, संपूर्ण भारत, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, ये सारा जो देश है वो सम्राट अशोक के कब्जे में था। ये कैसे संभव हुआ? क्या सम्राट अशोक के समय में आज जैसे संसाधन थे? बिल्कुल नहीं थे। बाबा साहब कहते हैं कि सम्राट अशोक का भारत इसलिए निर्माण होना संभव हुआ क्योंकि उनसे पहले 200 साल पहले तथागत बुद्ध ने सामाजिक और संस्कृति का निर्माण किया था। उसी के आधार पर सम्राट अशोक का पॉलिटिकल भारत खड़ा हुआ और फिर तथागत बुद्ध का विचार सम्राट अशोक ने सारी दुनिया में फैलाया। और देखते देखते सम्राट अशोक के कार्यकाल में श्रीलंका, बर्मा,
थाईलैंड, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया और बाद में जाकर जापान, चाइना, कोरिया, यहाँ तक कि आधा एशिया कवर हो गया। तो ये हुआ कैसे? तो बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है उससे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना अनिवार्य होता है। तो क्या सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति है जो तथागत बुद्ध ने दी है? तो अशोक अपने शिलालेख में कहते हैं कि मैंने तथागत बुद्ध का धम्म जो है मेरे शासन का कानून बनाया। तो अपने शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं, ऐसा ही विद्यायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। मेरे राज्य का, मेरे शासन का कानून क्या है? ऐसा ही विद्यायाम, मेरा विधि यानी कानून क्या है? धम्म पालना धम्म विधाने, धम्म का मैं पालन करता हूँ, चाहे मैं राजा हूं लेकिन मैं 24/7 मैं प्रजा के लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि मैं तथागत बुद्ध के धम्म का मैं खुद आचरण करता हूँ। धम्म पालना धम्म विधाने, तो मेरे कानून जो मेरा जो कानून है वो तथागत बुद्ध के धम्म के आधार पर मैंने उसका निर्माण किया है। और तथागत बुद्ध ने फिर जो तथागत बुद्ध सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के जो संदेश थे वो 84,000 स्तूपों में, विहारों में, सारे भारतवर्ष में उस वक्त जम्बूद्वीप में फैलाए। उनको पत्थरों के ऊपर किताब बनाए, पत्थरों के ऊपर संदेश लिखे। तथागत बुद्ध जहां पर पैदा हुए थे लुम्बिनी, वहां पर वो खुद गए। तथागत बुद्ध को जहां पर संबोधि प्राप्त हुई थी वहां पर बुद्ध गया में गए। और जहां जहां पर तथागत बुद्ध का जो जो प्लेस था, जो ठिकान थे, वहां पर उन्होंने स्तंभ खड़े खड़े किए। इतना ही नहीं तो अपने शासन में धम्मदूत बनवाए, धम्म महामात्रा बनाए, वो फॉरेन मिनिस्ट्री बनवाई और उसमें एक धम्म का प्रचार प्रसार करने का पॉलिटिकल विंग बनाया, जिसके आधार पर करीब करीब आधा एशिया तथागत बुद्ध के विचारों में छा गया। और ऐसे देखते देखते सम्राट अशोक का साम्राज्य सारे एशिया में फैलने की वजह से आज भी भारत को छोड़कर सारा आधा एशिया तथागत बुद्ध के विचारों पर चलता है। तो ये कल्चरल रेवोल्यूशन है जो कि बुद्ध ने शुरू की थी, सम्राट अशोक ने सारे एशिया में फैलाई, जिसका कि आज भी हम देखते हैं जितने भी करीब 40-42 बौद्ध राष्ट्र है उनमें आज भी तथागत बुद्ध के धम्म का आचरण किया जाता है। लोग एक दूसरे के साथ नीति नियम से और अच्छे जीवन से, अच्छे विचारों से अपना अपना बर्ताव करते हैं। और उनके गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज भी तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर, तथागत बुद्ध के विचारों के ऊपर आधारित है। तो ये सारे बातें, इस देश का सारा सच्चा इतिहास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में हम जानते हैं कि बाबा साहब ने कोलंबिया में काफी पढ़ाई की। बाबा साहब कहते हैं कि मैं जब कोलंबिया में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लंदन यूनिवर्सिटी में और बॉन में मैं जब पढ़ता था तो मेरे पास पैसा नहीं होता था, क्योंकि मुझे खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलता था, इसलिए मैं अपना समय ज्यादा इधर उधर नहीं गंवाता था। मैं 18-18, 20-20 घंटे तक पढ़ाई करता था और उस वक्त मैंने सारे अमेरिकन और यूरोपियन इतिहास को पढ़ा, वहां की ह्यूमैनिटी को मैंने पढ़ा, वहां की डेमोक्रेसी को मैंने पढ़ा। और मैंने पाया कि हमारे देश के इतिहास में इससे भी ज्यादा अच्छी संस्कृति सम्राट अशोक के काल में हुआ करती थी। और बाबा साहब फिर देखते देखते सम्राट अशोक का भारत, तथागत बुद्ध का धम्म और पॉलिटिकल जो वेस्टर्न फिलोसफर है उनकी विचारों को कन्वर्ट करते थे, कंपेयर करते थे और अपनी सोच को बढ़ाते थे। वही बात 1920 से लेकर बाबा साहब ने अपना आंदोलन शुरू किया। हम सभी जानते हैं कि 27 जनवरी 1919 में बाबा साहब ने अपना पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक आंदोलन शुरू किया। 27 जनवरी 1919 में बाबा साहब ने साउथ बोरो कमिटी को एक निवेदन दिया। उस वक्त अंग्रेज लोग भारत में, भारत के लोगों को कुछ पॉलिटिकल पावर देना चाहते थे। तो यहाँ के लोग जो थे, कांग्रेस थी, यहाँ के जमींदार लोग थे, ये चाहते थे कि ये जो पॉलिटिकल पावर हमें मिले ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो कि संस्थानिक लोग हो, राजाए महाराजाए हो। और कांग्रेस में जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको ही वे अधिकार मिले। वो किसी भी हालत में ये अधिकार गरीब लोगों के बीच, अछूतों के बीच, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोगों के बीच शेयर नहीं करना चाहते थे। तो बाबा साहब ने कांग्रेस की चालाकी को पहचान लिया।
जैसे मोरले मिंटो जो रिफॉर्म्स हुए, फिर बाद में मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए, उससे पहले बाबा साहब ने साउथ बोरो कमेटी को अपना निवेदन दिया और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल पावर है, ये पॉलिटिकल पावर केवल और लोगों को ही नहीं लेकिन अछूतों को भी मिलने चाहिए। और उससे आगे जाकर बाबा साहब कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पावर जो भी मिलेंगे, अधिकार इस देश के लोगों को मिलेंगे, उतने ही अधिकार इस देश के महिलाओं को भी मिलने चाहिए। बाबा साहब पहले ऐसे महामानव थे जिन्होंने कभी भी जो भी कोई पावर देने की सोची, वो उतना ही पावर वो महिलाओं के साथ शेयर करना चाहते थे, महिलाओं को देना चाहते थे। हालांकि उस वक्त मनुस्मृति के विचारों के ऊपर आधारित ही हमारा सोशल भारत का निर्माण हुआ था, सोशल भारत चलता था। लेकिन बाबा साहब ने 1919 में साउथ बोरो कमिटी में निवेदन देने की वजह से बाद में फिर अपने संगठन बनाने की सोची। 1920 में छत्रपति शाहू महाराज के साथ मानगांव परिषद में सबसे पहली सभा हुई। उस सभा में शाहू महाराज कहते हैं कि मेरी मनोदेवता, मेरा मन मुझे कहता है कि ये जो अम्बेडकर आपके सामने खड़ा है, एक दिन इस देश का सबसे बड़ा नेता बनेगा, इस देश का निर्माण करने में इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये मेरी मनोदेवता कहती है। ऐसा छत्रपति शाहू महाराज 1920 में मानगांव के परिषद में कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को वो कहते थे कि मैं तो लोगों का राजा हूं, आप तो ज्ञान के राजा हो। तो बाबा साहब की बुद्धिमत्ता को देखकर छत्रपति शाहू महाराज ने बहुत बड़ा समर्थन देने की सोची और बाबा साहब का उन्हीं की वजह से पहला जो न्यूज़पेपर है, जो नियत कालिक है, जो मूक नायक है, वो 1920 में 31 जनवरी को शुरू हुआ। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि 1922 में छत्रपति शाहू महाराज का निधन हुआ। तो बाबा साहब को जो आर्थिक आधार देने वाला जो राजा था वो नहीं रहा, तो बाबा साहब ने अपना खुद का आंदोलन अपने सहारे ही खड़ा करना शुरू कर दिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया। उसके उद्देश्य भी तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित, तथागत बुद्ध के संघ के ऊपर आधारित बाबा साहब ने किए और अपना सामाजिक आंदोलन शुरू किया। हम जानते हैं कि 19 मार्च और 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने पानी का आंदोलन किया था, जो कि पानी तक पीने की हमें आजादी नहीं थी, इतने हम गए गुजरे थे कि इस धर्म में हमको जो सार्वजनिक पानी होता है उस पानी को छूने तक की हमें आजादी नहीं थी, यही बात बाबा साहब ने सोची। तो बाबा साहब ने क्या काम किया, कहां से शुरू किया आंदोलन, बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले मुझे अगर समाज को एक संघ बनाना है, संगठित करना है, तो लोगों की चेतनाओं को मुझे जागरूक करना है, तो इसीलिए क्या कारण बनाना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त का जो करंट प्रॉब्लम था कि पीने का पानी तक हमको मुहैया नहीं होता था, तो उन्होंने पीने के पानी का आंदोलन कहा किया, शुरू किया। और उस वक्त वो कहते हैं कि हम लोग आज तक पानी पीने को नहीं मिलता तो हम लोग मरे नहीं, हम लोग जानवर की तरह जीते रहे, ये पानी का आंदोलन मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हम भी इंसान है। उस वक्त बाबा साहब का एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन है महार के आंदोलन के वक्त, बाबा साहब कहते हैं कि अवर स्ट्रगल इज नॉट फॉर पावर, अवर स्ट्रगल इज नॉट फॉर वेल्थ, अवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, अवर स्ट्रगल इज फॉर फ्रीडम, और स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हमारा जो संघर्ष है, हम केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, हम पैसे के लिए या संपत्ति के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, हम भी इंसान है, हम में भी आप जैसे गुण है, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन आप हो कि हमें वो अधिकार देने को तैयार नहीं हो, अगर आप लोग हमें अधिकार नहीं देंगे तो हम इकट्ठा होंगे और हम लोग इकट्ठा होकर हमारे खुद के अधिकार हम खुद छीन कर लेंगे। ये भावना बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 के महाड़ के सत्याग्रह में उस वक्त जमा हुए सारे अछूतों के बीच में फैलाई, और जहां से वहां से अछूत जब अपने गांव चले आए तो एक हाथ में बाबा साहब का बहिष्कृत भारत ये वृत्त पत्र रहता था और एक हाथ में उनमें उम्मीद जागी थी कि ये इंसान हमारा असली नेता है, ये हमारे संघ का सीधा और सही रक्षक है। तो उस वक्त से सारे भारत के अछूत लोग जो भी बाबा साहब कहते थे उसको अपने मन के ऊपर लगा लेते थे और जितना बाबा साहब कहते थे उतना ही वो करते थे। तो बाद में 1930, 1931 और 1932 में जब साइमन कमीशन के बाद, जैसे कि साइमन कमीशन ने डेमोक्रेटिक अधिकार देने की और बात की, अंग्रेज कुछ अधिकार देना चाहते थे,
1930, 31 और 32 में बाबा साहब ने वो जो अधिकार है हमारे लिए अंग्रेजों के साथ और हिंदुओं के साथ और कांग्रेस के साथ लड़कर हासिल किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ उसमें करीब करीब 70-80% जो विचारों विचार और जो कानून बने उसमें अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान था। और उसी के आधार पर बाबा साहब ने जो 1919 में साउथबोरो कमीशन में जो पॉलिटिकल डिमांड कही थी वो डिमांड बाबा साहब ने अकेले के ताकत पर, अकेले के बलबूते पर, अकेले के बुद्धिमत्ता के आधार पर 1937 में प्राप्त की। 1937 में जब भारत में पहली बार जब इलेक्शन हुए तो जितने अधिकार उच्च वर्णीय लोगों को थे, जितने अधिकार राजा महाराजाओं को थे, जितने अधिकार फ्यूडल लॉर्ड्स को थे, सरंजामदार लोगों को थे, उतने ही अधिकार अछूतों को थे और उतने ही अधिकार महिलाओं को भी मिले। पहली बार भारत की महिला वोट करने के लिए खड़ी हुई और चुनाव चुनाव लड़ने के लिए भी खड़ी हुई और चुनकर भी आई। बाबा साहब के 16 उम्मीदवार एमएलए करके वहां पर सिलेक्ट हुए। ये बात मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत से हमारे लिए काम किया और हम लोग पिछले 70 साल में क्या करते आए हैं, हमने क्या किया, क्या अंतर है बाबा साहब के काम करने के ढंग में और हमारे पिछले साल के 70 साल के जो काल में हमने क्या किया, हमने क्या पाया, ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक अकेला इंसान जो बुद्धिवादी होता है और करुणावान होता है, अपने लोगों के प्रति इतना इतना मिलनसार होता है, इतना जागरूक होता है कि हर चीज वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहता है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। 1923 की बात है जब बाबा साहब एमएससी, पीएचडी, डबल पीएचडी और एलएलडी, सॉरी डीएससी पढ़कर आए थे, लेकिन लंदन से आते वक्त उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो शाहू महाराज के जो वंशज थे राजाराम महाराज को उन्होंने कहा कि महाराज मुझे लंदन से इंडिया आने के लिए पैसे नहीं है, कृपया मुझे 1,000 पाउंड भेजने की कृपा करें। तो राजाराम महाराज ने उनको 500 पाउंड भेजे। तो बाबा साहब के सामने समस्या खड़ी हुई कि मैं अच्छे जो जिसमें ह्यूमन बीइंग आते थे, मनुष्य आते थे, उस जहाज में तो नहीं आ सकता क्योंकि उतने तो टिकट के पैसे मेरे पास नहीं है। तो बाबा साहब जिस जहाज में जानवर आते थे, जानवर की ट्रैफिकिंग होती थी और लेबर लोग होते थे जो हरदम दारू शराब पीते थे, उन लोगों के साथ प्रवास किया और अपने रूम में 30 दिन तक वो प्रवास चला बाबा साहब का, वहां पर पढ़ते आए। घर आने के बाद उन्होंने सोचा कि उनको तभी एक जज की ऑफर आई थी, तो बाबा साहब ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं जज की नौकरी करूं या फिर मैं समाज के लिए काम करूं। 2 दिन तक सोचने के बाद बाबा साहब ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं मेरे समाज के लिए अपना सारा जीवन अर्पित करूंगा और अगर मैं अपने समाज के लिए मेरा जीवन अर्पित नहीं कर सकूंगा तो मैं खुद को गोली मारकर मार डालूंगा। ये शपथ बाबा साहब ने उस वक्त ली और उस वक्त बाबा साहब ने लोगों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। बाद में 1937, 1938, 1938 की सभा में बाबा साहब ने एक संदेश दिया है कि जब तक आप लोग संगठित नहीं रहेंगे, जब तक आप लोग संघ के रूप में इकट्ठा नहीं होंगे, 23 सितंबर 1938 की सभा जो नागपुर में लगी थी उस सभा में बाबा साहब ने कहा कि हमारी ताकत का अगर हम हमारी ताकत लोगों को बताना चाहते तो उसका एक ही जरिया है कि हम लोग इकट्ठा रहे। हम लोग इकट्ठा रहने के बाद हम लोग संगठित रहे, संघर्ष करें और उससे पहले शिक्षित बने। ये जो एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, ये जो बाबा साहब ने संदेश दिया था वो 1938 के सभा में, उससे पहले 1927 में, उसके बाद 1942 में और उसके बाद 1948 में और बहिष्कृत भारत और जनता के बहुत सारे पब्लिशिंग अंक में बाबा साहब ने ये बात कही। तो बाबा साहब खुद ऐसा कहते थे कि जब तक हमारा समाज हमारे प्रश्नों के ऊपर इकट्ठा नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो बात दी उसके बाद 1942 में 75,000 लोग इकट्ठा आए और उसका परिणाम ये हुआ कि बाबा साहब को ब्रिटिशों ने इंटरिम गवर्नमेंट में लिया। बाद में बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान में हमारे सारे मूलभूत अधिकार और हमारे जितने भी आगे वाले जिन्हें के डेमोक्रेसी के अधिकार है वो सुरक्षित रखे।
बाद में बाबा साहब ने 1956 में 5 लाख लोगों को इकट्ठा करते हुए तथागत बुद्ध की धम्म की दीक्षा दी। ये बात इसीलिए हम करना चाहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं कर पाए, पिछले 70 साल से जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया था उस संविधान को हम क्यों वैसा के वैसा नहीं रख पाए, आज वो हमारे हाथ से छूटे जा रहा है। हम लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2 साल में 3 साल में जो संविधान के सारे प्रोविजन हमारे हाथ में है वो हमारे हाथ से निकल जाए। फिर इसीलिए यही घड़ी है कि आज हम लोग इकट्ठा हो, हम लोग हमारे बीच के जो हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, अहंकार है और ये जो सारी बातें हम अगर आज लोग भूलना चाहते और इकट्ठा आना चाहते तो ही अगर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान हम बचा पा सकते हैं। अदरवाइज हमारे हाथ से संविधान भी निकल जाएगा और हम खुद असुरक्षित रहेंगे और हम लोग हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यही कंसेप्ट इकट्ठा करते हुए 5 मई से विद पीपल के समन संघ के लोगों ने सोचा कि कौन सी बात है हमारे बीच में जो गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहली बात है हमारे बीच का हर्डल है, हमारे बीच की कौन सी रुकावट है जो हमें एक होने से रोकती है। तो पहली बात है कि हमारे बीच में कास्ट है, हम लोग जाति को ज्यादा अहम देते हैं, महत्व देते हैं। तो बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि कास्ट जो है ये डेमन है, कास्ट इज ए डेमन, यू टर्न इन एनी डायरेक्शन द डेमन ऑफ कास्ट विल कम अक्रॉस यू, यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय द कास्ट। बाबा साहब कहते हैं कि जाति का राक्षस उसको तुमको खत्म करना ही होगा, क्योंकि जाति के राक्षस का निर्माण कहां से हुआ। तो बाबा साहब कहते हैं कि जिन शास्त्रों के बीच में इन जातियों का रूढ़ियों का जो संबंध बना हुआ है उनकी निर्मिति वहां से होती है, उन शास्त्रों को डायनामाइट लगा के उड़ा देना होगा। अगर हम हमारे मन से ये शास्त्रों की जो भावना है, शास्त्रों का विचार है, क्योंकि कास्ट इज ए नोशन इन द माइंड्स ऑफ मैन, जाति की जो भावना है हमारे मन में छुपी हुई है, ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को अगर हम निकालना चाहते हैं तो शास्त्रों के प्रति हमारा जो हमारी जो श्रद्धा है उसको हमें उद्ध्वस्त करना होगा और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। और अगर हम ऐसा जुड़ते हैं तो हमें क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सी बातें हमें करनी होगी। तो हमें इंडिविजुअल ईगो को भूलना होगा, हम हमारी कितनी समाज में प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को भूलना होगा, हमें हमारे बीच के छोटे बड़े का जो अंतर है उस अंतर को छोड़ना होगा। अगर हम ये बातें करेंगे तो ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जैसा कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरे संग में किसी भी जाति का जो भी कोई इंसान, जो भी कोई व्यक्ति आता है वो नदियों की तरह सागर में मिल जाता है, ऐसा ही हमारा संग है। तो हमें जातियों के बीच का जो अहंकार है वो छोड़कर तथागत बुद्ध के धम्म के मार्ग से हमें जाना होगा। उसी हिसाब से हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का सपना है कि भारत को बुद्धमय बनाना है। बाबा साहब आगे जाके कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध के विचारों के ऊपर आधारित ही इस विश्व की रचना की जा सकती है, पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ये भावना हमको हमारे बीच में लानी होगी, हमें पंचशील का पालन करना होगा, हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को सीखना होगा। उसके ऊपर अगर हम सीखना चाहते हैं तो यही पश्चि को अपना एक पचतंग वेदी तब्बो, बुद्ध कहते हैं कि आइए मेरी शिक्षा को, मेरे धम्म को, मेरे संघ को तुम देखो, परखो, जानो, अगर अच्छा लगता है तो उसको अपनाओ, नहीं तो छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो जैसे पिछले 70 साल में हमारी हालत हुई है वैसी हालत होगी। लेकिन अगर हम तथागत बुद्ध का, ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का, बाबा साहब का विचार अगर हम अपनाते हैं तो हम विद द पीपल का निर्माण करने में सक्षम होंगे। हमें करना क्या है, तो विद द पीपल का सबसे पहला कंसेप्ट है कि हमें खुद को जोड़ना है और लोगों को जोड़ना है। तो इसमें क्या लगता है, इसमें कोई पैसा नहीं लेना है किसी से, कोई आम जनता से हम पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे, उससे पहले हम खुद को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद हम खुद का जो अहंकार है वो हमारे विद द पीपल के समन संघ में डायल्यूट कर देंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ विचारों का भेदभाव हो, कोई विचार की अलग अलग भावना हो, लेकिन जैसे जैसे हम विद द पीपल में जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारे बीच का अहंकार खत्म होता जाएगा और हमारे विचार एक साथ होंगे, हम लोग एक होकर इकट्ठा होकर
जो भी आने वाली आगे की योजना है, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजीज है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तीसरी बात क्या है, तो विद पीपल में कोई लीडर नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे निर्णय है जो लोग 10-15 दिन एक महीना तक जुड़े रहते हैं विद पीपल से, कंटिन्यू विद पीपल का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उन लोगों को स्पोक बनाया जाता है, स्पोक यानी प्रवक्ता, और उन स्पोक लोगों का हर मंडे को एक हाउस लगता है, पार्लियामेंट लगता है, उस पार्लियामेंट में अगर किसी साथी के बीच में किसी के मन में एक अच्छा विचार है तो वो प्रस्ताव लेके आता है, उस प्रस्ताव के ऊपर सभी लोगों का एक मत होता है और वो विचार फिर समन संघ का नियम बन जाता है, उस नियम के आधार पर विद द पीपल के लोग काम करते हैं। तो ऐसे देखते देखते विद द पीपल का संघ बनता है। आज हम देखते हैं कि जो 5 मई को जो शुरू हुआ था वो संघ करीब 10-15 लोगों ने शुरू किया था, आज हम लोग 287 लोग जुड़े, 287 लोग जुड़े। हो सकता है अगर यही बातों को हम दोहराते रहेंगे, एक दूसरे के बीच वाली जो जो मन मिटाव है, जो हमारे जो विचारों का जो कोई अंतर है, वो अगर हम खत्म करते हैं तो आने वाले समय में विद पीपल में हम बहुत तेजी से जुड़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही लोग जुड़ते हैं जो कि समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जितना तुम दोगे उतना तुम्हें मिलने वाला है, एज यू गिव यू रिसीव, जितना आप देने की भावना रखते हो उतना ही आपको मिलने वाला है, इसलिए विद पीपल को हम जितना देंगे उतना ही हमें मिलेगा। विद पीपल में आने के बाद हमें क्या करना होगा, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि बुद्ध का कथन है, धम्मपद की गाथा है कि आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परम धनम विश्वास परम ज्ञाति निब्बानं परम सुखम। बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतुष्ट रहना है सबसे बड़ा धन है, विश्वास जो है वो सबसे बड़ा नाता है। तथागत बुद्ध के धम्म का अगर विश्वास का नाता हम हमारे बीच में बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में विद पीपल एक बहुत बड़ा ताकतवर संघ बनेगा। इसका परिणाम क्या होगा, अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इकट्ठा होते हैं तो हमारे जो पॉलिटिक्स में लोग काम करते हैं, जो कि पिछले 70 साल से करीब करीब 4.5 लाख संगठन हमारे एक्टिव संगठन काम करते हैं 29 लाख संगठनों में से, लेकिन वो समाज को जोड़ने की बात तो करते हैं लेकिन समाज को एक नहीं जोड़ते हैं, खुद की ही पर्सनालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं और पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर सोचेंगे कि हम लोग समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे तो समाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों का जब संघ बनेगा तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होगा, पॉलिटिकल लोग आपको पूछने को आएंगे। आज आप 292 लोग यहाँ पर हो, अगर यही संख्या आने वाले मार्च तक अगर 1000 तक हो जाती है और ये जो आने वाले एक साल में 1 लाख तक और 2024 तक 5 लाख लोगों के का अगर संघ बनता है तो सारे पॉलिटिकल लोग पूछेंगे कि साहब विद द पीपल को हम पूछने आए हैं कि क्या आप हम लोगों को वोट देंगे, आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। लेकिन आज समाज के लीडर को ये पता है कि ये समाज के लोग जैसा हम कहेंगे वैसा ही सुनते हैं, लेकिन समाज के लोगों को लीडर लोगों को अगर इकट्ठा लाना है तो समाज का सोशल और कल्चरल प्रेशर हमें करना होगा, और ये जो सोशल और कल्चरल प्रेशर केवल और केवल विद पीपल के भावना से तैयार होने वाला है। तो यही जो फ्रेम है हमारी पॉलिसी की फ्रेम होगी, हमारी स्ट्रेटेजी जो बनेगी ये हमारे आचरण से बनेगी। जैसे जैसे हम विद पीपल में जुड़ेंगे वैसे वैसे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, जो कि लोग पिछले 8 महीने से जुड़ते हैं वो लोग अगर 2-3 दिन किसी कारणवश अगर नहीं जुड़ते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मैंने जिंदगी का कुछ 2-3 दिन में कुछ तो भी खोया है। ये जो मन की जो भावना है, ये मन की भावना हमारी जुड़ती है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि इस दुनिया के हर इंसान का अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, बाबा साहब कहते हैं कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर इंसान का इस दुनिया में आने का अंतिम ध्येय अगर क्या हो तो अपने मन का विकास करना, यही हर एक इंसान का अंतिम ध्येय अंतिम उद्दिष्ट होना चाहिए, यही बाबा साहब कहते हैं और यही उद्दिष्ट विद पीपल का है। हम यही चाहते हैं कि हम हमारा मन कैसा विकसित करें, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि ये जो मन है, हमारा मन दूषित रहता है इसीलिए हमें दुख मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो मन है ये दुखी क्यों रहता है, क्योंकि उसने तृष्णा होती है, तृष्णा होने की वजह से मन सदा के लिए दुखी होता है। जैसे जैसे हम थोक थोक कने कने रजत कारावस्थ
जैसा सुनार थोड़ा थोड़ा सोने का मल निकालता है, वैसे ही हम हमारे मन का मैल धीरे धीरे अगर निकालेंगे तो विद पीपल का एक बहुत बड़ा संघ हम निर्माण करेंगे, और इस निर्माण इस संघ के निर्माण से हम पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट करेंगे और सारे लोगों को सीधा करने का काम करेंगे। यही जो भावना है, इसीलिए हमको सब लोगों को इकट्ठा होना है, जुड़ना है, जोड़ना है। जिस दिन हम जुड़ेंगे उस दिन हम जीतने वाले हैं, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 में हमने देखा 10 लाख लोग जुड़े थे, उस वक्त एट्रोसिटी का आग हमने जिताया। रोस्टर पॉइंट जो था 200 रोस्टर पॉइंट वाला, वो भी मुद्दा जब लोग लीडरलेस लोग रस्ते पे आए, इकट्ठा आए, तो उन्होंने अपना अधिकार बचाया। संविधान भी ऐसे ही बचाएंगे हम, क्योंकि संविधान खतरे में नहीं, हम लोग खतरे में। हमें अगर हमारी आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो आज हम लोगों को जुड़ना होगा। अगर हम आज लोग जुड़ते नहीं है तो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। वो कहेंगे कि पिछले 70 साल में जितने भी 2-3 जनरेशन आए, जो बाबा साहब के गद्दार लोग यही थे, वो जिन्होंने अपने जीवन में बाबा साहब के ना तो संविधान को बचाया, ना तो उनके विचारों को बचाया। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग। विचारों को वैसे ही हमें प्रचारित और प्रसारित करना होगा जैसे कि पौधों को हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं। तो यही विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध का विचार, सम्राट अशोक का विचार, कबीर का विचार, ज्योतिबा फुले का विचार, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज का विचार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार अगर हमें बरकरार रखना है तो आज हमें संगठित होना ही होगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करने वाली है। यही बात मैं आज कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
Thank you.